हेलो, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गोपाल केरनी। अभी अभी हमारे सामने न्यूज आई है कि आधे से ज्यादा न्यूज चैनल वाले हुए उप्स मूवमेंट का शिकार। दुनिया में कितने बवासीर लोग हैं, सही है, बुरा है, गंदा है, करप्शन कहीं फैल रहा है, लोग अच्छा काम कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, इनको वो नहीं दिखाना, इनको दिखाना है ये एक्टर ने ब्रा नहीं पहनी, ये तो पैंटी पहनना भूल गए, इनके तो निप्पल दिख रहे हैं। भाई दुनिया में इतना कुछ सब कुछ छोड़ के इनको एक्टर लोग के इनको बूब ब्रा ये सब ही गिरते नजर आ रहे हैं। अरे उनके गिर रहे हैं तो जाके संभाल लो, कपड़ा दे दो ना आगे। कुछ चैनल तो हमारे देश के नाम पे, मैं कुछ कह भी नहीं सकता, नाम भी नहीं ले सकता उनके बारे में, वरना लोग बोलेंगे हाँ हाँ अब हमारे देश के बारे में ऐसा कर लो, पड़ोसी देशों की फिर तो जरूरत ही क्या है। इनके बारे में क्या ही बोलना, मेरी जिंदगी कुछ इतनी खराब चल रही है आज। कल का दिन भाई इतना पनौती गया ना मेरा, स्कूल के आई कार्ड वगैरह बनाने का काम है पापा का और शादी वादी, 9 बजे उठता हूँ। एक दिन पहले हमने 1200 कार्ड बना दिए थे तो 500 कार्ड बचे थे, तो मेरे को लगा 9 बजे सुबह सुबह जाऊंगा फटाफट, तो मम्मी के साथ हेल्प करवा के वो 500 कार्ड जो बचे फटाफट निपटा देंगे। एक कप मैं ब्लैक कॉफी पी के गया था, सोचा जा ही रहा हूँ तो फटाफट आ जाऊंगा, आधे घंटे का तो काम है। गया आई कार्ड फिनिश की, तभी पापा बोलते हैं ऊपर जा सेकंड फ्लोर पे, वहां से आई कार्ड के एक होल्डर लेके आया, वो चाहिए था अर्जेंट है। फिर जब नीचे आया 2 मिनट के लिए बैठा तो पापा बोलते हैं ऐसा कर ये पैसे पकड़, ये बाजू में ना एक किराना की शॉप है, बोरियां ले आई कार्ड बीच में डाल के देने के लिए स्कूल में। वो आंटी तो भाई अलग ही लेवल की, अभी मेरा बेटा यहाँ पे है नहीं, तुम ऐसा करो बोरियां बाद में ले जाना, पता नहीं बोरियां है कि नहीं। अरे मैं पैसे दे के बोरियां लेने के लिए आया हूँ, फोकड़ का तो मांगने नहीं आया आपसे। घर पे आया देखा तो दादी जी घर पे है ही नहीं, मैं घंटी बजा रहा हूँ, 1 बजाए 2 बजाए 3 बजाए फिर घंटी नहीं बजाई, किसी का कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। मैंने मम्मी को कॉल किया, मम्मी घर पे कोई है भी है कि नहीं है, मम्मी बोले दादी को कॉल कर ले, दादी को कॉल किया, कॉल ही नहीं उठा रहे, पहले तो फोन नहीं लगा, जब फोन लगा उठाया ही नहीं। फिर आई बारी बैंक में जाने की, SBI की। मैंने पूछा मैं उस बंदे से, मैंने लिटरली पूछा, वहां पे कैबिन में बैठा हुआ था, मैं कहा सर मेरे को ना कार्ड से पैसे जमा कराने, वहां से हो जाएंगे? हाँ हाँ हाँ, वो काउंटर से पूछा, मेरे को नहीं पता, बंदा कुछ नहीं कर रहा था। चलो ठीक है, गया मैं अपना काउंटर में वहां पे पैसे जमा कराने के लिए, पीछे लाइन में लग गया बुढ़ा एक, कब से पीछे चेयर में बैठा हुआ, बाहर से मेरे सामने ही आया था, ना लाइन में लगा ना कुछ हुआ। फिर जब देखा कि मैं अब ठीक है आगे पहुंच गया हूँ, पीछे से आता है, बेटा मेरे थोड़े ही पैसे है, मेरा काम जल्दी हो जाएगा। भाई मेरा भी काम जल्दी हो जाएगा, मैं थोड़े ही पैसे जमा कराने आया, मैं 15-20 करोड़ जमा कराने नहीं आया कि मेरे को ऐसे पूरे शाम तक वो बंदे नोट गिनते रहेंगे कि सर नहीं नहीं एक नोट ज्यादा है, इनमें तो टेप लगा हुआ है, वो सब लगा हुआ है, मेरा वो सीन नहीं होने वाला। 5-10 हजार रुपए ही मेरे को भी जमा कराने, ऊपर से औरतों का तो भाई अलग ही हो जाता है, बैंक में कौन सी महिला स्टेशन का ऐसा लाइन है, जब तुम लोग वैसे बस स्टैंड में खड़ी हो जाए, रेलवे स्टेशन में खड़े हो, तुम्हारा वुमन कार्ड तुम खेलना शुरू कर देती हो, पैसे तो हम स्त्री वाली लाइन बना के जमा कराएंगे, देखना कोई हमको बोलेगा नहीं, वो औरत ना खुद ऐसे टेढ़ी नजर से देख रही थी, कोई हमको बोल देगा ना, हमको सच में लाइन में लगना पड़ेगा ऐसे पीछे जाके। भाई बैंक को तो छोड़ दो यार, वहां पे तो हक मत मांगो अपना ऐसा वाला। वापस घर पे आया, ऐसे बैठा मैं, ये सब हरकतें होने के बाद शाम को दादी कहीं से आ रही थी रिश्तेदारों के घर पे, रिश्तेदार भी नहीं ऐसे पास में हमारे पहचान के हैं, तो उनके छोटे बच्चे के बर्थडे पे गए हुए थे। इतनी वाहियत देर में दादी मेरे को बोल रही है, वहां पे ऐसे समोसे थे, जलेबियां भी थी और रसमलाई भी लगाई हुई थी उन्होंने, और साथ में पकौड़े भी खाने को दे रहे थे वो लोग। अरे मेरे को एक तो अंदर इतना ज्वालामुखी फट रहा है और आप मेरे को ये चीजें गिना रही हो कि आप ये सब खा के आई है, सीरियसली मैं भी कुछ कह नहीं सकता हूँ आपको, वैसे अंदर जो मेरे ज्वालामुखी फटा है ना उस चीज को सुन के, सच में अगर मेरा भाई होती ना, दादी ना होती, तो भी मुक्का मारता ऐसे उंगल उठा के, समझ में आता था कि भाई भाई का प्यार क्या होता है। फिर बोलते हैं लोग बुजुर्गों की कदर नहीं करते, बैंक में देखा था मैंने बुड्ढे को, क्या किया उसने, दादी को देखा शाम को, वो क्या कर रही है मेरे साथ, खा के आई तो पेट में रखे ना अपने, सुना क्यों रही है मेरे को, मसाले सुंघा रही है क्या, ये बताने वाले हैं कि आपने चटनी खाना भूल गए वहां की पुदीने वाली, जब मैं वो कमी पूरी कर दूं बाहर से पत्ते ला के। कमाल करते हैं यार, दिमाग खराब करके रखा बुड्ढे ने आजकल। ऊपर से इतनी महंगाई के जमाने में हमारी दुकान पे एक बुड्ढा आता है, बेटा ये फोटो कितने की बन जाएगी पता भी है, हमारा रेट है 50 की, 8 कॉपियां पासपोर्ट साइज की, फिर बोलता है इसको 30 की लगा लो। ये लोग पैसे कम करने के लिए बोलते हैं ठीक है, जब इनकी फैक्ट्री में जाके इनसे इनके माल का जब ऐसे करो ना बार्गेनिंग, इनकी गांड में से ऐसे वो पैसे कम करने की बोलती, नहीं नहीं सर हमारा मटेरियल लगा है, हमारी इंक नहीं लग रही है, हमारा पेपर नहीं लग रहा है, हमारी चीजें नहीं है। फोटोग्राफर का भाई ऐसा क्या हवा से लेके आते सामान, जब पेड़ पे लगाया हुआ है, पानी डाला सुबह सुबह कोटा की ऐसे पेपर बाहर आ गए, प्रिंटर की इंक तो ऐसे धूप की रेस से बन रही है, ये वो घर के पेंट की तरह नहीं है कि 150 रुपए का डब्बा लेके आओगे उसमें मिट्टी का तेल डालोगे पूरा घर को सब चमका दोगे उसको। बुड्ढे लोग ना सर दिमाग नहीं है, ऊपर नहीं है सर, घुटनों में घुसा हुआ है जो चलते भी नहीं है। फिर पार्क में घूमेंगे ऐसे, शर्मा जी कैसी है, काफी दिन से दिखी नहीं, हाँ हाँ अब दिख गई तो गले लगा ले उसको। इनके घर में कोई आता है तो ऐसे गले लगता है जैसे पहली बार किसी लड़की को गले लगाया है, और खुद की घर की औरतों का कोई पैर छूते बेटा दूर से, हाँ इनको हाथ नहीं लगाने का, ये हमारे घर के औरतें हैं। अरे पैर छू रहा हूँ,
पजामे के अंदर ऐसा हार्ड अलग उनको छेड़ नहीं रहा हूँ। तो ऐसे गले लगते हैं कि अरे कन्या नहीं वाली, अरे वाह क्या नया टच है इनकी बॉडी में। बुड्ढे इतने गंदे हो गए ना आज के टाइम पे। फिर कहते हैं कि लोग बुड्ढे लोगों की ऐसी कदर नहीं करते हैं और हम लोग ऐसे आश्रम में छोड़ के आते हैं। तुमको तो भाई ऐसे एवरेस्ट पहाड़ी के चोटी पे ले जाकर धक्का मारना चाहिए तुमको वहां। अगर बच जाए तो वापिस ले जाकर धक्का मारना चाहिए। मेरी ऐसे बुड्ढे लोग से कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं है, बस इनकी हरकतें दुश्मनी पैदा करने वाली है। खुद का पेट निकला हुआ है और हमको बोलेंगे बेटा तुम पतले पतले से लग रहे हो। अरे फिटनेस का नाम सुना है? फिटनेस का खुद भी तो वॉकिंग करने के लिए जाते हैं ना पेट को कम करने के लिए। हमारे घर ऑटोमेटिकली है पतला, जो क्या दिक्कत है। फिर बोले कि तुम्हारी मम्मी कुछ खाने को नहीं देती है। कि तुमको देती है ना, पेट निकल रहा है ना बाहर थुल थुल सा, पता नहीं कब डिलीवरी दे दो, ऐसा पेट फूला होता है। खैर किसी को मेरा वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो मेरे यूट्यूब चैनल को। बाय।